हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलिकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले का अचार। करेले का अचार बहुत ही हेल्थी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, आप ये ना समझें कि करेले का अचार तो कड़वा होगा, लेकिन कड़वा करेले कड़वे होते हैं, लेकिन उसका अचार बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता और बहुत ही हेल्दी होता है। ये शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी करेला जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करें और खाएं। तो अगर आप एक बार खाओगे तो आप बार बार इस अचार को बनाओगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको एक बार बना के साल भर रख सकते हैं, और साल भर जब करेले किसी मौसम में नहीं भी आते हैं तब भी आप अचार जो है वो करेले का खा सकते हैं। और ये शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहता है करेला। तो हम इसको सब्जी के रूप में तो खाते ही हैं, लेकिन अचार के रूप में भी खा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं कैसे बनता है करेले का अचार। फ्रेंड्स, करेले का अचार बनाने के लिए मैंने ये करेले लिए हैं। ये 1.5 किलो के करीब करेले थे जिनको मैंने धो के अच्छी तरह से थोड़ी देर पानी में रखा था, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है इसमें कई बार मिट्टी रह जाती है। तो थोड़ी देर मैंने इनको पानी में, खुले पानी में रखा था। फिर उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर सूखने दिया ताकि इसका जो पानी है वो सारा अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको काट के फ्रेंड्स इसमें नमक लगा के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा था। 2 घंटे के बाद मैंने इसको 3 से 4 घंटे ऐसे सुखाया है। मैंने इसको पंखे के नीचे ही सुखाया है, मैंने धूप में नहीं इसको सुखाया, क्योंकि ये बहुत ही ड्राई हो जाता अगर धूप में सुखाते तो। लेकिन इसमें जो इसकी जो स्किन होती है इसमें पानी रुका रह जाता है ना, तो उसके बाद नमक लगाने के बाद भी हमने इसको अच्छे पानी में धो के फिर उसको कपड़े के ऊपर मैंने इसको सुखाया है 3 से 4 घंटे, ताकि इसकी जो स्किन है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और अब हमने इसको तेल में फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। लेकिन इसको बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। करेले के अचार के लिए जो हमें मसाले चाहिए फ्रेंड्स, हम उनको देख लेते हैं। तो ये मैंने ये मेथी ली है, ये 1 चम्मच मेथी है। मैंने ये वाले चम्मच से मेज़रमेंट किया है इसका। ये 1 चम्मच मेथी है, 1 चम्मच अजवाइन है, और ये 4 चम्मच जो है वो देगी लाल मिर्च है। इसमें आप दूसरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ये 4 चम्मच जो है नमक है, इसमें 1 चम्मच मैंने काला नमक मिक्स किया है, और 1 चम्मच जो है वो पीली वाली सरसों है, और ये 1 चम्मच कलौंजी है, ये 1 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जो है वो काली सरसों है, और ये 2 चम्मच सौंफ है, और ये आधा छोटा चम्मच जो है इस चम्मच का आधा चम्मच है हींग है ये, और 1 चम्मच जो है वो धनिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो हमारे ये साबुत मसाले हैं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। लेकिन जो ये कलौंजी है इसको हमने सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, इसको हमने पीसना नहीं है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है इसको, और बाकियों को हम हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनको पीस लेंगे। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम मेथी डाल रहे हैं। इसको हल्का ब्राउन होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे, और आंच जो है फ्रेंड्स बहुत ही स्लो मीडियम रखनी है। बहुत तेज आंच पे हमने मसालों को रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे मसालों का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। बहुत ही हल्की आंच पे हमने मसालों को रोस्ट करना होता है। अभी देखिए मेथी हमारी जो है वो रोस्ट हो गई है, और इसका हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो इसको अब हम उतार लेंगे। सूखे मसाले फ्रेंड्स हमारे सारे जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इनको मिक्सी में एक दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसी में ही फ्रेंड्स हमने जो हींग रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये भी बहुत अच्छे से बारीक हो जाए, और जो नमक है उसको भी हम इसी में ही डाल देंगे, और इसको अब पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने मसाला पीस लिया है, और ये मैंने दरदरा सा मसाला पीसा है। इसको अब हम किसी बॉल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने जो ये सूखे मसाले रखे हैं हमारे, जो पिसे हुए मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च है, इसको भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे,
और जो हल्दी बची है उसको भी ऐड कर देंगे, और जो कलौंजी है हमारे पास इसको भी हम ऐड कर देंगे, और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये करेले के अचार के लिए जो मसाला है वो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, और देखिए इसका कलर जो है वो कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो फ्रेंड्स ये मैंने सरसों का तेल लिया है और ये अच्छा गर्म हो चुका है सरसों का तेल, इसमें हल्का धुआं उठने लग गया है। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम करेले डालना शुरू करेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना क्योंकि एकदम ड्राई नहीं करना है इसको। तो नहीं है, बस थोड़ी कम रखी है मैंने, हाई मीडियम रखी हुई है, तो इसको बस अब हम निकाल देंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर अचार जो है हमारा बहुत ही ड्राई होगा और हमें उतना ड्राई नहीं करना है, और ये भी बहुत नरम पड़ जाएंगे करेले भी। तो ये देखिए आप भी इस तरीके से फ्राई करें। फ्राई करते टाइम फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि करेले जो है हमारे ड्राई होने चाहिए, अगर इनमें थोड़ा भी पानी होगा तो ये बहुत चटकेंगे और तेल जो है वो सारा इधर उधर उछलेगा और आपके हाथ भी जल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और तेल जो है वो अच्छा गर्म भी रहे, ऐसे ठंडे तेल में ना डालें इसको, क्योंकि तो बहुत ही नरम हो जाएंगे हमारे करेले और हमारा अचार जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स अब हमने करेले जो है फ्राई कर लिए हैं, और आप देख रहे होंगे कि इनका कलर अभी भी ग्रीन है, मैंने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, बस थोड़ा सा इनको फ्राई किया है ताकि इनका अपना जो अंदर इनके अंदर जो जूस है वो इनके अंदर ही रहना चाहिए, बस इसकी थोड़ी सी कड़वाहट निकालने के लिए थोड़ा पानी इसका स्टार्टिंग में निकाला है ताकि थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाए। तो फ्रेंड्स ये अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं और इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो मसाला रखा है उसको अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने डाल दिए हैं करेले एक बाउल में, और इसको इसमें डालेंगे, इसमें हमने सारा कुछ जो है वो मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है, और ये सारा मसाला बहुत अच्छे से इसमें कोट हो चुका है, सारा ही मसाला मैंने डाल दिया है और सारा इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें खटास के लिए डालेंगे सिरका, और सिरका जो है वो इसको प्रिजर्व भी करेगा, जो इसको ख़राब नहीं होने देगा, इसको साल भर संभाल के रखेगा और बहुत ही टेस्टी बनाएगा, और भी टेस्टी बनाएगा। तो ये मैंने 1 कप लिया है सिरका, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देंगे। अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे अचार को, और अब जो मसाला है वो भी इसमें बहुत अच्छे से फूल जाएगा और सारे करेले जो हैं उनमें अब्जर्व हो जाएगा अच्छी तरह से, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, अभी से इसको खाने का मन हो रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें, आप भी बहुत अच्छा लगेगा आपको भी ये अचार। अब फ्रेंड्स जो इसमें हमने जिसमें जिस तेल में इसको तला था थोड़ा सा तेल बच गया है, तो वो तेल भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो थोड़ा सा तेल बचा है तो वो इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से रहे और अचार हमारा बहुत ही बढ़िया बने, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये अचार जो है वो थोड़ा थोड़ा गर्म है, बिल्कुल हल्का हल्का गर्म है, लेकिन अभी मैं इसी बर्तन में इसको रख दूंगी ढक के, 2 से 3 घंटे के लिए इसी में छोड़ दूंगी, बाद में मैं इसको शीशे के बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी, और फिर इसको हम अच्छी तरह से रोज एक बार हिलाते रहेंगे ताकि हमारे अचार में जो मसाले हैं वो सारे बराबर मिक्स हों और बराबर उसका फ्लेवर सब में जाए। तो उसके बाद ये 1 हफ्ते के बाद फ्रेंड्स ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा,
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही, और फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया अचार बनता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में।